गाइस अभी हम फ्रेशन अप हो गए एंड खाना खा लिया, सब कर लिया, सभी टाइम आ गया है पढ़ने का केमिस्ट्री। सो मैं तो अपने फ़ोन में ही टेक्स्ट बुक लेके पढ़ रही हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन। एक फिजिकल भी है बट ऑनलाइन वाली ज़्यादा अच्छी टेक्स्ट बुक है एंड काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी यार। एंड आई एम ऑल्सो स्लीप डिप्राइव क्योंकि मैंने यस्टरडे सोया ही नहीं पूरी रात, सो या फिर तो शायद एक दो घंटा, क्योंकि एक्चुअली जब मैं 6:45 को मेरा अलार्म बजा उठने के लिए स्कूल के लिए रेडी होने के लिए, तो आई वॉज हाफ अवेक ओनली। तो अभी टाइम हो रहा है 10:05 एंड ज़ोरदार पढ़ाई चल रही है एंड केमिस्ट्री का टेस्ट है उसके लिए काफ़ी देर तक पढ़ना है। एक्चुअली कल मेरा एग्ज़ाम तो नहीं है तो मैं तो यहाँ पे आराम से चल करके पढ़ाई कर रही हूँ। सो आज आई थिंक प्रीटी लेट नाइट तक मैं इसे पूरा कंप्लीट कर डालूंगी। चलो देखते हैं अनुष्का क्या कर रही है, उसकी पढ़ाई अभी तक हुई कि नहीं, क्योंकि कल तो उसका ICT एग्ज़ाम भी है एंड वो तो कहते हैं कि शी इज़ गोना स्टे अप ऑल नाइट टू स्टडी। सो अनुष्का अभी जानव के साथ मीटिंग कर रही है, हमारा एक क्लासमेट है एंड दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे उठे रहने में। रुको, उसके पहले आप आगे जाओ, हमारे वीडियो को एंजॉय करो। हमें आपको एक चीज के बारे में बताना है। अब गाइस आप सोच रहे हो अनु आई इतना स्ट्रेस क्यों नहीं ले रहे, एकदम पैनिक क्यों नहीं कर, एकदम चिल्ड क्यों है? वेल, उसका एक ही आंसर है, हाँ गाइस हम इन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एंड प्रिपेयर्ड क्यों है? क्योंकि हम दोनों येलो क्लासेस यूज करते हैं। अब जिनको नहीं पता येलो क्लासेस क्या है, मैं आपको बताती हूँ। येलो क्लास ना इंडिया का सबसे बड़ा लाइव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 3 से लेकर 16 ईयर्स के बच्चे डिफरेंट हॉबीज लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, योगा एंड मच मोर। और गाइस उसमें हम लोग मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और लॉजिक रीजनिंग जैसे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसी से तो हमने अपना लैंग्वेज इम्प्रूव किया। हाँ गाइज, आपको पता है हम ऐसे येलो क्लास यूज नहीं करते हैं, वो ना 20 लाख किड्स से ट्रस्टेड है एंड उसमें हर महीने 10 लाख किड्स डिफरेंट हॉबीज लर्न करते हैं। गाइस में बहुत सारे सेलिब्रिटी मेंटर्स भी है जैसे कि शान, रिपु द मनहंडा एंड विद्या मालवाड़े जो अपने हॉबी सिखाते हैं। और गाइस अभी ये सोच के लग रहा होगा मतलब कितना महंगा होगा येलो क्लास, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, वो तो उल्टा फ्री है। और गाइस आपको पता है हम चाहे तो हमारी मम्मी स्ट्रेस्ड है, तो हमारे स्ट्रेस पेरेंट्स के लिए येलो क्लास तो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें ना एक डैशबोर्ड फीचर है जिसमें आप अपने बच्चों का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। अब हॉबी सीखने के साथ साथ इसमें ना बच्चे प्राइजेस भी जीत सकते हैं जैसे कि प्लेस्टेशन, अमेज़न वाउचर्स, बाइसिकल्स एंड एप्पल आईपैड भी। और अभी का इसी महीने फेब मंथ में ही हमें मौका मिला है अब सभी किड्स को जो पार्टिसिपेट करेंगे एक एप्पल iPhone 13 जीतने का। वाओ गाइस, अब iPhone 13 तो जीतने का सबको ही शौक है यार, किसको नहीं पसंद है iPhone। तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बस जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, उसमें क्लिक करना है, येलो क्लास ऐप डाउनलोड करना है एंड येलो क्लास अटेंड करना है। हाँ, और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे एप्पल iPhone 13 जीतने के लिए। तो गाइस यार कर क्या रहे हो, जल्दी से जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड सब चीजें पार्टिसिपेट कर लो यार, iPhone 13 जीतने का मौका मिलेगा। नाउ बैक टू आवर व्लॉग। सो यहाँ पे है हमारी मम्मी, क्या कर रहे हो आप? मम्मी सोने जा रही है, अकेले बोर हो जा रही है ना मम्मी। 11:10 मम्मी आप सोने जा रहे हो? मैं क्या करूँ, तुम दोनों अपना बुक से पढ़ रही हो। तो आज का मम्मी आपने पूछा नहीं कैसा गया मेरा पेपर? कितनी बार तो पूछा, आते ही पूछा ना। आप तो सो रहे थे। मैं सो रही थी फिर तुम सो रही थी। हाँ वो तो है, पेपर तो अच्छा ही जाना है, मेहनत की हो तो पेपर तो अच्छा ही जाना है ना। हाँ आज का पेपर तो मेरा अच्छा गया, अभी कल का भी होप करते अच्छा जाए। चलो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ। तो आज है 7th February एंड आज है रोज डे, तो पापा ने मम्मी के लिए रोज दिलाया, मैंने पापा को कहा था वैसे। सो अब ये रोज को मैं खुद को भी दे देती हूँ। अनुष्का ये ले एक फूल के लिए एक फूल, एंड आई मीन द क्रेजी फूल के लिए एक सुंदर फूल। सो आज है रोज डे एडी एंड ये मैंने तुम्हारे फूल खरीद के लाया है। पापा ने मम्मी के लिए रोज दिलाया। Will you accept it from me? नहीं। Oh, you will. Thank you so much. चलो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। I've got a lot to study and it's already 12. So, आज है डे 2 मेरे बोर्ड एग्जाम का, अनु के लिए तो कुछ डे 4 होगा एंड अनु का आज ICT एग्जाम था सुबह ही, तो वो चली गई एंड मैं आराम से 11-12 बजे उठ के तैयार हो गई अपने स्कूल यूनिफॉर्म में एंड अभी जाने का टाइम हो गया है, तो मैं अभी जा रही हूँ अपना ब्रंच करने, देन उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगी एंड देन वी विल गो फॉर राइटिंग अ केमिस्ट्री एग्जाम। चलो अब जल्दी करते हैं, मुझे लेट नहीं होना है। बाय गाइस, मेरा एग्जाम अभी केमिस्ट्री एग्जाम है तो जल्दी से मैं जा रही हूँ। 50 हो गया, भागो मैं लेट हूँ। So guys,
एंड हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, मस्त हम लोग ने केमिस्ट्री का पेपर था, थियोरी पेपर तो मस्त पूरा लिख डाला। अभी कपड़ा बदलो देन उसके बाद पढ़ाई में वापस लग जाओ, वही अभी एंडलेस साइकिल है यही, ऐसे सुबह उठो, पेपर दो, आओ, कपड़े बदलो, खाओ, पढ़ो 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 पढ़ो, रात भर पढ़ो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। आप हमें मोटा करना चाहते हो? नहीं, खाने का नहीं, ये सब देखने के लिए लाई हूँ। एक भी कोई खाएगा नहीं, सिर्फ देखा जाएगा बस। मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं वैसे भी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी। कौन तुमको दे रहा है खाने को बेटा? मैं लाई हूँ उसको देखने के लिए। चलो चलो नटेला। अजीब जानवर है। मैं उसमें से वो खाऊं? उसमें से कुछ भी नहीं, दाल बना, चावल बना। वाह, नींद आ रही है? नहीं, मेरे को बहुत मन कर रहा कूदने का, पार्क में खेलने का। हां तो और क्या नहीं होगी गधी। कल मेरे दो दो पेपर है, वो है ईवीएम एंड मैथ्स, तो अभी मुझे ईवीएम भर भर के पढ़ना है। मैं अभी एक थंबनेल बना रही हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई करने में लग जाऊंगी। एंड गाइस, इतना पढ़ पढ़ के यार सिरी एक्सप्लोर कर रहा है हमारा अनुष्का की। देखो अनुष्का तो सोई नहीं है दो दिन से ढंग से, तो यहाँ पे हालत हालत खराब हो गई उसकी। एंड मैं तो फिर भी यस्टरडे अपनी स्लीप रिकवर कर ली और आज भी अच्छे से सो गई, क्योंकि मेरे को अगर मैं सोती हूँ तो मैं बहुत इरिटेबल रहती हूँ। जैसे यस्टरडे अनुष्का को पूछो कितना मैं उसको चिढ़ा रही थी। सो 5-10 मिनट में भी थोड़ा देर बेड में लेटी, रेस्ट की एंड अभी टाइम पढ़ाई करने का। सो अभी सबसे पहले तो मेरा सिर फट रहा है, सो सबसे पहले तो अभी मैं अपना कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर ठंडा करूँगी एंड बालकनी में बैठ के पूरी अच्छे से पढ़ाई करूँगी। आ गए हैं हम यहाँ पे बालकनी में पढ़ाई करने। एंड गाइस देखो कितना प्रिटी लग रहा है यहाँ पे ये। So, मैंने अपनी कॉफी तो बना दी, so, चलो भी आराम से इसे पीते हैं एंड चल करके पढ़ाई करते। मैं तो कब से गाइस यार इतना सिर फट रहा था ना कि मतलब क्या बताऊं। So, अनुष्का अभी सो के उठी, क्या हाल चाल है? ठीक है। तनिष्का तूने यहाँ पे बैठ के मेरे साथ पढ़ेगी? मैं देखो नए गाने सुनाती हूँ। मेरे को बहुत नींद आ रही है, यस्टरडे नाइट कॉफी चाहिए, खुद बना ले। सो गाइस, हमारी प्यारी मम्मी ने हमें जैसे बीमार बच्चों को खाना दिया था वैसा हमें दिया है। देखो मम्मी ने दिया है यहाँ पे हमें ककड़ी एंड गाजर एंड टोमेटो सूप। मम्मी यार हम बीमार थोड़ी जो हमें आप ये दे रहे हो, हेल्दी खाओ, हेल्दी अपना हेल्थ इस टाइम पे रखना, अच्छा रखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए खा ही लेते हैं। तो फिर मैंने पीनट बटर सैंडविच बनाया खाने के लिए एंड जब तक टोस्ट था तो मैंने तब तक मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से हमने बात नहीं की है, तो फिर कॉल किया एंड देन वी वेंट ऑन एंड ऑन एक घंटा से वी टॉक फॉर वन आवर एंड नाउ इट्स लाइक 9:30 और समथिंग। सो अभी मुझे जल्दी से पढ़ाई करनी होगी, तो मैंने अपना फ़ोन फेंक दिया दूर जिससे कि मैं उसे बिल्कुल छू ना। एंड अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव रीच्ड ऑन द सेकेंड चैप्टर, मैथ्स का पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मैं सो के उठी थी, फिर उसके बाद मैं टाइम पास की, फिर थोड़ा बहुत पढ़ी, फिर वापस टाइम पास की। हाँ तो मैं भी पढ़ूंगी। सो यहाँ पे अनुष्का का फेवरेट पानी पूरी आया है। You grow in number, few... पानी पूरी खाने के बाद मैं थोड़ी देर बालकनी में पड़ी, फिर उसके बाद मम्मी ने वहाँ से मुझे बाहर फिर देखी, मम्मी सोने जा रही थी और 12 बज रहे थे और मच्छर भी काटे, तो मैं आ गई अब रूम में पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मेरा ईवीएम की पढ़ाई हो गई, अभी बस मैथ्स का करना है, सो जल्दी से करके सो जाते हैं हम।
बहुत गंदा हो गया, मेरे को तेल लगा के वॉश करना है उसे, लेकिन मतलब एग्जाम के टाइम टाइम ही कहाँ मिलता है। तो आज है मेरा डे 3 अनु का, तो पता नहीं क्या डे लूज कर लिया था। हाँ, सो आज का बोर्ड एग्जाम जो है लकीली 9:30 को है, तो बड़ा अच्छी बात है। हम लोग आराम से सो के उठे 8 बजे एंड उसके लिए तैयार हो गए। अनु का तो एक ही पेपर, तो वो तो आराम से आ जाएगी कुछ 11। नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स सिस्टर। और मुझे आना, मैं आऊंगी लाइक 3:15 को। सो हाँ चलो अब जल्दी से तैयार होते हैं यार, लेट हो रहा है। तो अनु आ गई पहले ही, कितना बज रहा है अभी? 12 बजे ही आ गई तू? हाँ, क्योंकि आज यहाँ एक ही पेपर था मैथ्स, आयु का भी ईवीएम रहेगा 1:30 को, तो अभी आयुष का स्कूल में है अटक्की। आते ही लेट गई, थक गई हो? हाँ थक गई, मतलब मन कर रहा था, सोई नहीं थी ना यस्टरडे। कैसा गया पेपर तुम्हारा? अच्छा था, काफी आसान था, सब मैंने कर लिया। बस लास्ट का क्वेश्चन था पोजीशन वेक्टर के ऊपर, उसको मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ट्राई की। 2 मार्क का ही था, तो एक आध मार्क कटेगा, 1 मार्क ट्रायल के लिए दे देंगे। मतलब हे गाइस, मैं तो स्कूल से अपना एग्जाम देके आ गई, और मैं बता रही हूँ आज के दोनों एग्जाम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे गए, एकदम अच्छे से लिख डाला और मैं आ गई। फिर उसके बाद मैं अच्छे से नहा ली, देख सकते हो पूरा बाल धो रही हूँ, एंड अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, तो मैं तो सबसे पहले खाने जा रही हूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उस रेड बटन को ग्रे कर दो यार, हम एग्जाम के टाइम भी आपके लिए वीडियो बना रहे, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। अगर इस वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि मतलब एग्जाम्स के टाइम बना रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों येलो क्लास ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।